दिन भर के सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। भारत गैस, बनाइए खाना, परोसिए प्यार। साय प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से एक अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। बांसगांव सांसद कमलेश पासवान की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई संपन्न। कहा, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जल्द पूरा कर लाभार्थियों को दिया जाए लाभ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर यूपीएससी के चेयरमैन ने आगामी सिविल सर्विसेज की परीक्षा कराए जाने के संबंध में संबंधित अधिकारियों से की चर्चा, दिए आवश्यक निर्देश। तिवारीपुर पुलिस ने शातिर बाइक चोर को किया गिरफ्तार, चोरी की बाइक और 315 बोर व तमंचा व कारतूस किया बरामद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने संबंधित अधिकारियों के साथ कोविड उपचार व रोकथाम के संबंध में की चर्चा, दिए आवश्यक निर्देश। वन माफियाओं द्वारा अवैध रूप से पेड़ों को काटकर नदियों में छुपाकर किया जा रहा था अवैध व्यापार, डीएफओ ने छापेमारी कर लगभग 70 से अधिक बोटों को किया बरामद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा ने संबंधित अधिकारियों के साथ कोविड 19 रोकथाम और उपचार के संबंध में की चर्चा, दिए आवश्यक निर्देश। जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने कलेक्ट्रेट कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण से बचाव के उपकरणों का किया वितरण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव पंचायती राज ने संबंधित अधिकारियों के साथ 14वें वित्त आयोग की संस्तुति, ग्राम पंचायतों में आवंटित परफॉर्मेंस ग्रांट धनराशि आदि के संबंध में की चर्चा, दिए आवश्यक निर्देश। आरक्षण सहित विभिन्न मांगों को लेकर निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सदर सांसद आवास का कार्यकर्ताओं ने किया घेराव, प्रतिनिधि को सौंपा मांग पत्र। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर महानगर गोरक्ष प्रांत महानगर कार्यकारिणी का हुआ गठन। और भारतीय बौद्ध धर्म महासभा एवं राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा द्वारा अंबेडकर इन इंडिया के प्रधान संपादक को दी गई श्रद्धांजलि। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत जिला समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा के मार्गदर्शन में दी गई व्यवस्था के क्रम में समिति के अध्यक्ष बांसगांव सांसद कमलेश पासवान की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के एनेक्सी भवन के सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की गई। बैठक के दौरान केंद्र व राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के साथ लाभार्थियों को उसका लाभ मिल सके, इसकी जानकारी प्राप्त की गई। वहीं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा गया कि किसी भी योजना के तहत लापरवाही न बरती जाए, समय रहते कार्य पूरा कर लाभार्थियों को उसका लाभ दिया जाए। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, खजनी विधायक संत प्रसाद सहित बड़ी संख्या में विभाग के सदस्य व अधिकारी मौजूद थे। हमारे विधायक और सांसद आप उसको नोट करिए और सारा
डे टू डे करेंगे आप और समूह में आदर करने में सक्सेस हो ही बहुत अच्छा नहीं किया सर। मैं जानना चाहता हूँ पिछले साल हमने जितना अच्छा किया था उसके अंतर को हम क्लेम करेंगे कि हमारी सरकार ने इस कोरोना के काल में इतने अतिरिक्त परिवारों को अच्छा कर दिया। हमने आपको फोन किया था, काम साथ बीत जाएगा, रोड जनता का ठेका निकल जाएगा। नहीं तो पूरा ठीक रहेगा, खत्म हो गई है। अरे कहीं बात है सर, पंजाब के हम अक्टूबर से फरवरी तक पूरा पैकअप किए थे, दिसंबर में चौथे दिसंबर तिरपन लाख मानव जो विजिट किया है और उसमें बिजनेस कांग्रेस बनाना यह है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर यूपीएससी के चेयरमैन प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी ने गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ आगामी सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराए जाने के संबंध में चर्चा की। चर्चा के दौरान वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए परीक्षा को कैसे संपन्न कराना है और क्या क्या गाइडलाइन परीक्षार्थियों के लिए होगी, इन सब विषयों पर गहनता से संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। In the control room of Venus control room. The night is good enough. Next slide. From inside, you will recover 96 booklets in 8 envelopes. Each envelope will have. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तिवारीपुर थाना प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में शातिर वाहन चोर को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। गोरखनाथ थाना क्षेत्र से चोरी की बाइक के साथ तिवारीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले दीपचंद नामक शातिर चोर को माधवपुर बंधे के पास से पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने उसके पास से चोरी की गई मोटरसाइकिल के साथ 315 बोर का देशी तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। इससे पूर्व में भी यह शातिर चोर कोतवाली थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी के दौरान पकड़ा गया था। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से कोविड-19 अस्पताल में L2 व L3 के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त की। वहीं संबंधित अधिकारियों से कहा कि सर्विलांस अभियान में और तेजी लाई जाए। सर्विलांस टीमों द्वारा घर घर संपर्क के दौरान घर के प्रत्येक सदस्य से परिवार के बारे में सही जानकारी देने की अपील की गई, जिनसे किसी भी प्रकार का कोई लक्षण दिखाई देता है तो उन्हें तत्काल चिकित्सीय परामर्श के अनुसार उनका इलाज संभव कराया जाए। वहीं होम क्वारंटाइन में रह रहे मरीजों से लगातार संपर्क बनाने के साथ ही लोगों के बीच जाकर जाँच कराने के संबंध में अपील भी की जाए। मुझे पूरा जिले के देखना होता है सर, अकेले में किसी तरह से पूरे जिले को संभाल रहा हूँ। तो हमने किस तरह से सैंपलिंग अपनी जो है प्रक्रिया बढ़ाई है, ऊंची गति दी है, थोड़ी सी छोटी मोटी समस्याएं, वेटिंग की कमी वगैरह
फरेंदा के परागपुर व सरुआ ताल से बड़ी संख्या में अवैध रूप से छिपाई गई लकड़ी के बोटों को आईएसएफ प्रभागीय वन अधिकारी अवनीश कुमार द्वारा लगभग 70 बोटों को बरामद किया गया है। इस मामले में 2 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। फिलहाल यह गिरोह अभी फरार चल रहा है। इस संबंध में डीएफओ अविनाश के कुमार ने बताया। देखिए, फरेंदा में हमारे बरडार सेक्शन है, बरडार के किनारे परगापुर ताल है जो आरक्षित वन भूमि में आता है। परगापुर ताल से सटा हुआ एक है सरुआ ताल, सरुआ ताल कैंपियर रेंज में आता है। बाढ़ के सीजन में सरुआ ताल और परगापुर ताल जुड़ जाती है। जुड़ने के बाद जो कटहरे अवैध तस्कर हैं सरुआ ताल होते हुए परगापुर ताल होकर जंगल में घुसकर पेड़ काटकर उसको नाव में लकड़ी बांधकर बूटे को सरुआ ताल में लाकर छिपा रहे थे। और सरुआ ताल ग्राम सभा की भूमि पर ताल है जिसकी नीलामी की जाती है मत्स्य विभाग द्वारा। हमें काफी दिन से ये सूचना मिल रही थी कि इस तरह ताल में अवैध लकड़ी आकर छिपाई जा रही है। सूचना मिलने पर 3 सितंबर को हम लोगों ने स्टीमर की सहायता से कैंपियरगंज रेंज और फरेंदा रेंज के स्टाफ का जॉइंट कॉम्बिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया, जहां से लगभग 70 बोटे अवैध बरामद हो चुके हैं। और आज भी वहां पर कॉम्बिंग चल रही है, स्टार्ट करवाया, वापस करवाया गया है। इसमें जो लोकल स्टाफ कुछ इन्वॉल्व थे उन पर कार्रवाई की गई है और भी स्टाफ जो इन्वॉल्व उन पर कार्रवाई की जाएगी। पर ये जो एक गिरोह के रूप में जो लोग काम करके इस तरह की गतिविधि कर रहे हैं उन पर हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम सोमानी का गीजर, जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो, तो थोक और फुटकर विश्वसनीय, खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाए आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। भारत गैस व्हाट्सएप करो, बुक करो, हाय लिखें और 1800224344 पर भेज दें। भारत गैस मिस कॉल बुकिंग नंबर 7710955555। अपने LPG रिफिल का भुगतान डिजिटल माध्यम से करें। अब आपके पास amazon.in पर भी बुकिंग करा सकते हैं। और हाँ, आप अपना बुकिंग अमाउंट गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन, फोन पे, UPI के जरिए भी अदा कर सकते हैं। एक बार फिर बुकिंग मिस कॉल नंबर 7710555555। अगर कोरोना से बचना है तो कैश भी नहीं छूना है। भारत कैश। नमस्ते, मैं दिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1।
आई एम मनमीत. आई एम अमित. विद अमित ब्रोस. और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल. एक दो तीन चार कोरोना की होगी हार. एक दो तीन चार कोरोना की होगी हार. पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे. हाँ हाँ हाँ. दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे. दो गज की दूरी को हर जगह बनाएंगे. तीसरा सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे. साबुन से बार बार अपने धोएंगे. चौथी बात सेहत की, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे. योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे. जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बार. एक दो तीन चार कोरोना की होगी हार. एक दो तीन चार कोरोना की होगी हार. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आइए देखते हैं दिन भर. लखनऊ से अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ COVID-19 के रोकथाम व उपचार के संबंध में चर्चा की. चर्चा के दौरान संबंधित अधिकारियों से कहा कि BRD मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना संक्रमित के इलाज में किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाए. साथ ही ज्यादा से ज्यादा जांच कर संक्रमित व्यक्ति का पता लगाया जाए, जिससे संक्रमित का समय रहते इलाज संभव हो सके. वहीं इलाज के दौरान चिकित्सक समुचित सुरक्षा उपायों का प्रयोग करें. इस दौरान BRD मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे. बिहार है, जिसने बहुत तेजी से टेस्टिंग बढ़ाते हुए 1.25 लाख तक वो पहुंच गए हैं, लेकिन उनकी RT-PCR बहुत कम और उनकी केस पॉजिटिव. ब्रॉडली जो गाइडलाइंस है ICMR की, प्रत्येक ऐसे केस में जो रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आता है और सिम्टोमैटिक है उसका. जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन के निर्देश पर कलेक्ट्रेट कर्मचारियों को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भरत लाल श्रीवास्तव द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव का किट मुहैया कराया गया. कलेक्ट्रेट के लगभग 200 कर्मचारियों में प्रत्येक को एक दर्जन N95 मास्क, एक फेस शील्ड, 4 सैनिटाइजर की शीशी व 5 जोड़ा हैंड ग्लव्स का वितरण किया गया और सभी को सख्त हिदायत दी गई कि वह वैश्विक महामारी से बचने के लिए इन सभी उपकरणों का इस्तेमाल करें, जिससे वो खुद को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रख सकें. कोरोना का बिल्ला है. मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भरत लाल श्रीवास्तव ने बताया, जितने हमारे कलेक्ट्रेट के अधिकारी कर्मचारी हैं उनमें जो है एक हेड कवर और 10 मास्क चौड़ा वाला, 2 N95 और दस्ताना 5 सेट, 2 छोटा सैनिटाइजर और हर टेबल पर अधिकारी कर्मचारी के लिए कॉमन 500 ml का जो है वो सैनिटाइजर रखा गया है.
अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में आवंटित परफॉर्मेंस ग्रांट की धनराशि हेतु DPR तैयार किए जाने व प्रशिक्षण आयोजित किए जाने के संबंध में बैठक की। बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों से कहा कि शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों को परफॉर्मेंस ग्रांट सत्र 16-17 के अंतर्गत प्रथम किश्त के रूप में 50 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। शासनादेश में ग्राम पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य योजना तैयार कर जनपद स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरांत राज्य स्तरीय समिति को अनुमोदन के लिए उपलब्ध कराया जाए, जिससे ग्राम पंचायतों का सर्वांगीण विकास कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ किया जा सके। इस दौरान DDO अनिल कुमार सिंह, DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर सहित बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान मौजूद रहे। आंगनवाड़ियों की अवस्था बहुत अच्छी नहीं है, जो ICDS के सेंटर्स अनुमान अधिकांश पॉसिबिलिटीज हमको जांचनी चाहिए। बहुत सारी आंगनवाड़ी में बाल अनुरूप शौचालय भी नहीं बने हैं, क्योंकि वो रेंटेड स्पेस में है, इसलिए कोई इन्वेस्टमेंट हम लोग इसके अंदर प्रावधान कर पाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बिकॉज दे आर द मोस्ट वॉइसलेस पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। 0 से 6 वाले बच्चे कितना वोट देते हैं तो उनकी कोई बात नहीं, तो वो कम से कम आंगनवाड़ी वाला एक पोर्शन उसमें जरूरत पड़े तो ये संपर्क करके आपकी DPR बनाने में मदद कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में मदद कर सकते हैं। अगर किसी क्षेत्र विशेष का एक्सपर्ट चाहिए, जैसे इनके साथ नीरी जो नागपुर में संस्था है उनका भी MOU हुआ है, तो आप इनको संपर्क कर सकते हैं, ये आपकी मदद करेंगे। तो मैं अभी तक शहरों में जो आपने स्मार्ट सिटीज का नाम सुना, मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सेप्टेज वेस्ट मैनेजमेंट, इन सभी क्षेत्रों में हम लोग पहले से ही आरक्षण सहित विभिन्न मांगों को लेकर मछुआ समाज के अगुवा और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के आह्वान पर निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सदर सांसद रवि किशन शुक्ल के आवास का घेराव किया और उनके प्रतिनिधि को अपना मांग पत्र सौंपा, जिस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कही। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए निषाद पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद ने बताया, ये मछुआ आरक्षण का जो हमारा मामला है, जो अनुसूचित जाति की सूची में हम ऑलरेडी 7 नामों से दर्ज है, मछुआर, कोल, खरवार, बेलदार, शिल्पकार के नाम से अनुसूचित जाति की सूची में ऑलरेडी दर्ज हैं। और मैं जो याद दिलाने आया हूँ माननीय सांसद जी को कि आपको बड़ी उम्मीद के साथ हमारे लोगों ने वोट दिया है और पूरे प्रदेश भर में जो प्रचंड बहुमत मिला है इस बार लोकसभा में, वो आप सभी को पता है कि निषाद मछुआरों का कितना अहम योगदान रहा है, और सभी बड़ी उम्मीद के साथ वोट दिए हैं कि प्रदेश में सरकार है आज माननीय योगी जी की और केंद्र में सरकार आपकी रहेगी, तो दोनों लोग मिल करके, और जो हमारा लंबे समय से लंबित मामला है, 1992 से पहले ऑलरेडी हमें अनुसूचित जाति का लाभ मिलता था, जो उसके बाद से तमाम ये सपा बसपा ने अपनी अलग अलग कूटनीति के वजह से
हम लोगों को उसे वंचित कर दिया, जिस लाभ के असली हम हकदार हैं उसे हमें वंचित कर दिया गया। तो आज हम माननीय सांसद जी के माध्यम से आए हुए हैं यह बताने के लिए कि माननीय सांसद जी अभी सत्र चलने वाला है, हमारी आवाज़ को आप वहाँ उठाएं और जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसे आप दिलाएं, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब सांसद रहते हुए इसी गोरखपुर से सदन में उन्होंने आवाज़ उठाया था और बड़ी ऊँची आवाज़ में उन्होंने कहा था कि हम सदन सड़क से लेकर के सदन तक मछुआरों की लड़ाई लड़ेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर महानगर गोरक्ष प्रांत महानगर कार्यकारिणी का गठन प्रोफेसर नरेंद्र राणा, सौरभ गौड़, अरुण यादव व महानगर अध्यक्ष आलोक गुप्ता द्वारा जिला पंचायत सभागार में किया गया। इस दौरान एबीवीपी के महानगर के पूर्व व वर्तमान पदाधिकारी मौजूद रहे। कि निरंतर हमारी जो इस इतने बड़े महासंगठन की जो 62-64 साल की यात्रा है, अनेक ऐसे पड़ाव आए, नए लोग इसमें जुड़े। आज गोरख महानगर इकाई का गठन हुआ, जिसमें मुझे महानगर अध्यक्ष का दायित्व मिला। इससे पहले भी महानगर की दायित्व मुझे मिला था और पुनः मुझे इस सत्र में महानगर के दायित्व मिला और इसके साथ साथ महानगर के उपाध्यक्ष एवं अन्य जो कार्यकारिणी सदस्य उनको नए कार्यकारिणी सदस्य का आज गठन हुआ। उद्देश्य ये है कि देखिए, विद्यार्थी परिषद जो शिक्षक कार्यकर्ता तथा जो छात्र कार्यकर्ता, ये दोनों के साथ ही जो बहुत सारे जो सामाजिक लक्ष्य हैं, शैक्षणिक लक्ष्य हैं, तो उसके बारे में काम करते हैं। भारतीय बौद्ध धर्म महासभा एवं राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा द्वारा अंबेडकर इन इंडिया के प्रधान संपादक दयानाथ निगम की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रिका भारती की अध्यक्षता में संपन्न हुई। श्रद्धांजलि सभा में सर्वप्रथम भंदे आनंद प्रिय द्वारा त्रिशरण पंचशील से शुरुआत की गई तथा रामाश्रय बौद्ध द्वारा दयानाथ निगम के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडवोकेट रामाश्रय बौद्ध ने बताया, अम्बेडकर इन इंडिया के प्रधान संपादक सदस्य दयानाथ निगम का 4 सितंबर को देहांत हो गया। आकस्मिक निधन के वजह से यहां पर पुलिस सोसाइटी ऑफ इंडिया अम्बेडकर महासभा की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। दयानाथ निगम का जन्म 10 फरवरी 1952 को हुआ था। उनके पिताजी शिव प्रसाद जी थे और उन्होंने आजीवन जो है
ये संकल्प लिया था अम्बेडकर इंडिया बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने के लिए, और वो जो है 21 वर्षों तक लगातार अम्बेडकर इंडिया का उन्होंने जो है संचालन किया, और उनके जो सुपुत्र हैं क्रांति कुमार जी वो वचनबद्ध हैं कि अम्बेडकर इंडिया का जो पत्रिका है उसको हम लोग चलाएंगे। इसके लिए जल्दी लखनऊ में एक मंडल की बैठक होने वाली है। दिन भर में बस इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई गतिविधियों के साथ। साईं प्रसाद।